दुआ थी, हम अपने लिए चाहते थे और अपने मुल्क के लिए चाहते थे कि आप सीएनसी बने, पाकिस्तान को आपकी जरूरत थी, लेकिन ये अल्लाह की रजा थी, हम चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकली सियासत में आए और जिस तरह आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। साबिक डीजी आईएसआई और इमरान खान से कुर्बत रखने की वजह से खबरों में रहने वाले हदफे तनकीद बनने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की एक वीडियो आई है। मैं पूरा वीडियो क्लिप भी आपके सामने चलवाऊंगा और उसकी असल कहानी भी बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो क्लिप के आने के बाद एक पूरी मुनज़्ज़म कंपेन लॉन्च कर दी गई है, इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद पर अटैक किया गया है, जबकि असल हकीकत कुछ और है। असल कहानी क्या है और इस वीडियो ने हकूमती कैंप्स में किस तरह से खलबली मचाई है, ये इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जबकि दूसरी जानिब कुछ और सियासी अपडेट्स भी हैं। परवेज़ इलाही बा मुकाबला कप्तान, नया महाज खुल चुका है और एक खबर आई है कि चौधरी परवेज़ इलाही इस वक्त असम्बलियाँ तहलील करने के बदले में और इसके इनाम के तौर पर कुछ मांग रहे हैं, बारगेनिंग चल रही है, इस हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं। जबकि दूसरी जानिब अब मामला पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से पहले कौमी असम्बली तक जा पहुंचा है और कौमी असम्बली को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से पहले शायद लपेट दिया जाए, क्योंकि दो दिन रह गए हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले कौमी असम्बली की अपडेट ही आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन कराम, इस वक्त कौमी असम्बली अहम हो चुकी है और पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपके सामने है कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी मुलाकातें करते रहे, इसाक डार से भी की, फिर अयाज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ दोनों जाकर उनसे मिले, फिर सदर मुमलिकत ने लाहौर में डेरे डाल लिए। यहाँ पर उन्होंने कल इमरान खान से बड़ी अहम मुलाकात की, आज परवेज़ इलाही से उनकी मुलाकात हुई और अब ऐसा लग रहा है, आपको पता है कि सिर्फ पंजाब और केपी असम्बलीज नहीं है, इसके अलावा सिंध असम्बली में भी पीटीआई के अरकान हैं, बलूचिस्तान में भी पीटीआई के अरकान हैं, फिर आज़ाद कश्मीर और जीबी में भी हैं, लेकिन जो अहम है सिंध और बलूचिस्तान के अरकान अपनी जगह, पंजाब और केपी के असम्बली के जो अरकान हैं वो अपनी जगह, कौमी असम्बली को फरामोश नहीं किया जा सकता। अब दो दिन बाद खान साहब ने ऐलान करना है 17 तारीख को कि 23 को असम्बलियाँ तहलील हो जानी हैं और इतलाआत ये हैं कि कौमी असम्बली में जाकर अरकान ने इस्तीफे देने हैं ताकि मौके पर वो इस्तीफे मुतसव्वर किए जाएं। सबसे पहले सिलेक्टिव इस्तीफे कबूल किए गए ताकि अपनी सीटें बढ़ाई जा सकें, लेकिन इमरान खान ने सब हलकों में खुद इलेक्शन लड़कर वो प्लान नाकाम किया। अब पीटीआई ने स्पीकर कौमी असम्बली से राबता किया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इज्तमाही तौर पर इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से वक्त मांगने के लिए खत लिखा है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मैंने अपने दस्तखत के साथ खत लिख दिया है जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली से मुतालबा किया है कि वह इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुलाएं। उन्होंने हमारे चंद अफराद के इस्तीफे मंजूर किए हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत करने के लिए हमारी हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया, हमने इस्तीफे दिए मगर वो इलेक्शन कमीशन को नहीं पहुंचाए गए, सिर्फ चंद चीदा अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए, मुंतखिब अरकान के इस्तीफों की मंजूरी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने हकूमती इमा पर गैर कानूनी फैसला किया, अब खत लिख दिया है, स्पीकर चाहें तो सबको इज्तमाही तौर पर तलब कर लें या फिर अलहदा अलहदा बुला लें। अब यह भी इम्कान है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस खत के रिस्पॉन्स का वेट ना करे और मुंतखिब अरकान जो हैं वो फौरन कौमी असम्बली पहुंच जाएं और वहां पर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस या फिर असम्बली सेक्रेटरीट में तमाम मामलात क्लियर करें और फौरी तौर पर पूरी कौम के सामने इस्तीफे देकर अपने इस्तीफे मंजूर होने या जमा होने का नोटिफिकेशन कौमी असम्बली से लेकर जाएं। अब ये एक ही साथ सबको धक्का मारना होगा। ये जो हल्की हल्की ज़र्बें लगाई जा रही हैं ये खान को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा सकती हैं। दूसरी जानिब गवर्नर केपी जो फजलुर रहमान के रिश्तेदार भी हैं उनकी मुलाकातों के चर्चे हैं और परवेज़ इलाही की मुलाकातें भी बैक टू बैक हो रही हैं और ये बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं।
अब रोजनामा दुनिया से ताल्लुक रखने वाले एक सहाफी ने दावा किया है, दावा बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ऐसा लग रहा है कि चौधरीज एक मरतबा फिर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। काफ लीग का मौकफ यह है कि हमें अगले इंतखाबात में हिस्सा मिलना चाहिए। वो वजह मैं आपको बता देता हूं। अब जब पीटीआई ने अगला इलेक्शन लड़ना है पंजाब का, तो उन्होंने बड़ा क्लियर मेजोरिटी से इन्होंने जीतना है। परवेज इलाही तो न 3 में न 13 में रहेंगे, या तो उन्हें गारंटी दी जाए कि आप अगले वजीर आला होंगे, चाहे 5 अरकान ही क्यों ना हो, और वो होगा नहीं। एक ये भी है कि सीट एडजस्टमेंट की जाए, यानी काफ लीग कहती है कि हमारे खिलाफ बंदे ना खड़े किए जाए। गोया के काफ लीग जो है वो हल्के मांग रही है। एमपीएस इनके 10 हैं और ये उनकी तादाद भी 20 करना चाहते हैं, और इस पर ये गारंटी भी चाहते हैं कि वहां पर आप अपना बंदा खड़ा नहीं करेंगे। एमएनएस 5 हैं, जिनमें से 3 शुजात हुसैन के साथ हैं, 2 परवेज इलाही के साथ हैं, इसलिए कि उन दो में एक मोनिस इलाही और दूसरे हुसैन इलाही हैं। अब ये चाहते हैं कि कौमी असम्बली की सीटों का नंबर भी 10 कर दिया जाए, वरना हम अपना इकतदार क्यों कुर्बान करें। हालांकि ये खान साहब के 10 खतों से दिया हुआ इकतदार है, 10 सीटों से भला कभी किसी को इकतदार मिला है। अब दूसरी जानब जनरल फैज हमीद पर बात कर लेते हैं। जनरल फैज के हवाले से पहले भी बहुत सी खबरें आई, उनकी इमरान खान से मुलाकात की खबरें जमान पार्क से आई, हालांकि उस वक्त वो बहावलपुर में थे। इस खबर की तरदीद जनरल अमजद शेब के जरिए हुई और मैंने भी ये खबर आपके सामने रखी। फिर कुछ सहाफियों ने दावा किया कि जनरल फैज हमीद 2 साल चुप रहकर अपनी सियासत चमकाएंगे और फिर इमरान खान की रिप्लेसमेंट के तौर पर आएंगे, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन जाएंगे 2023 के इंतखाबात के बाद, यानी कि अगला जो इंतखाब 2028 में होना है उस पर उनकी नजर है। तो ये सारी बातें होती रही। अब जनरल साहब का चकवाल से ताल्लुक है, उनके भाई के हवाले से पहले भी उन पर तनकीद होती रही, लेकिन उनके भाई की अपनी सियासत है। वो भाई उनके पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं और खान साहब के जलसे में और दीगर जगहों पर लॉन्ग मार्च में भी शिरकत करते हैं। वैसे जनरल फैज ने काफी काम करवाया है अपने इलाके में। अब यहां पर इनकी अपनी बिरादरी का एक इकट्ठ हुआ है, वो पूरा क्लिप जो है वो मैंने थोड़ा कट करके आप जो है वो रखा है, वो जरा मैं आपको सुनवा देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। और हम चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकली सियासत में आए, और जिस तरह आपने सरस बजा कर अपने इलाके की खिदमत की है, अब आप पब्लिक में आकर इससे बढ़ चढ़ कर अपने इलाके की, अपने डिस्ट्रिक्ट की और पाकिस्तान की खिदमत करें। हमारी दुआ थी, हम अपने लिए चाहते थे और अपने मुल्क के लिए चाहते थे कि आप सीएनसी बने। आप अगर सीएनसी बनते तो हमारे चकवाल डिस्ट्रिक्ट, हमारा ऐसा इलाका, तो हमारी तो तरक्की या डेवलपमेंट होनी थी, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान को आपकी जरूरत थी। लेकिन ये अल्लाह की रजा थी कि आप उस मनसब पे नहीं पहुंच सके, लेकिन हमारे लिए अब भी आप, हम चाहते हैं कि सियासत में आकर आप उस मनसब पे पहुंचे ताकि अवाम की इतनी खदमत करें ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस जनरल फैज हमीद लतीफाल में, चकवाल में वापस आ गया है और पहले से बढ़ चढ़ कर अपनी अवाम की खिदमत कर रहा है। जी नाजरीन इकराम, आपने ये क्लिप भी सुना, इसके अंदर जाहिरी बात है कि किसका दिल नहीं होता कि 5 के 5 या 6 के 6 जो उनके इलाके के जनरल्स हैं वो आर्मी चीफ बने, और ये चाहत करना भी कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन ये एक इकट्ठ है। लेकिन इसके बाद नून लीग के साफी तो नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे हैं। गो अभी 2 साल का टाइम है, जनरल फैज ने खुद तो कोई बात नहीं की और ये बिरादरियों के इकट्ठ होते रहते हैं। इसमें कोई भी आदमी कोई तजवीज दे सकता है, लेकिन इस चीज से ये कहना कि वो खुलकर सियासत में आ गए हैं और इस चीज को इमरान खान के खिलाफ प्रोपोगेंडा टूल के तौर पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो गलत बात है। जाहिर बात है जनरल फैज अपनी फैमिली पर पाबंदी तो नहीं लगा सकते, बहुत से हाजिर सर्विस लोग भी हैं जिनकी फैमिलीज के लोग किसी महकमे में हैं, तो इस बुनियाद पर उन्हें रोकना ठीक बात नहीं है। सबकी अपनी लाइफ है और सब अपनी लाइफ अपने मुताबिक गुजारने का हक भी रखते हैं। 2 साल की पाबंदी है, उसके बाद बेशक 100 बिस्मिल्लाह जनरल फैज सियासत में आए, लेकिन इसको बुनियाद बनाकर जो नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।